हाय गाइस, वेलकम टू वीएनयू फ्रॉम द सेठ फैमिली व्लॉग्स। मैं हूँ संतोषी सेठ। और ठंड कितनी पड़ रही है यार, कितनी सर्दी है। और इस सर्दी में आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख रहे हो? क्योंकि मैं तो मुंबई में रहती हूँ, फिर भी मेरी यहाँ पर इतनी स्किन ड्राई हो जाती है इतने विंटर्स में। तो इमेजिन जो लोग नॉर्थ पार्ट में इंडिया के रहते होंगे, उनकी स्किन कितनी ड्राई होती होगी। बट नॉट टू वरी, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो आपकी स्किन को एकदम नरिश करता है, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। ये प्रोडक्ट बना है घी से। हाँ हाँ, घी से, जिसको आप चपाती पे लगाते हो, सब्जी में डालते हो, उस घी से। और आपको तो पता है हम लोग घी वो वाला डायरेक्टली भी लगा लेते हैं। सो गाइज, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, और इसको बनाने का गाइज एक बहुत ही स्पेशल मेथड है। मैं बहुत हैरान रह गई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर गूगल सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तो सच में गाइज इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है 100 बार घी को वॉश करके एक कॉपर वेसल के अंदर। और इसको बोलते हैं शता धोता गृहता प्रोसेस, जिसमें घी को कॉपर की वेसल के अंदर 100 बार धोया जाता है, ताकि जो घी का टेक्सचर होता है बहुत ही स्टिकी होता है, ग्रीसी होता है, ऑयली ऑयली सा फील होता है, आपको वो सब ना हो, एकदम लाइट टेक्सचर हो जाए और फ्लफी भी हो, जो आपकी स्किन को एकदम 24/7 नरिश करके रखे। और उसके बाद इसके अंदर कुमकुम तेल, आलमंड और बाकी सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के साथ है, वो सब ऐड किए जाते हैं, सो दैट यू कैन यूज़ इट एंड फील हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। तो गाइस, हमारा प्रोडक्ट आज का है। सो गाइस, ये है कपिवा का घी कुमकुम आदि बॉडी बटर, और ये आपकी स्किन को 24 आवर्स नरिश रखता है विंटर में। सो गाइस, लेट्स ओपन द प्रोडक्ट। तो गाइस, ये घी है बेसिकली, हम जिसको क्रीम का नाम दे रहे हैं। और अभी मैं इसको ज़रा टेस्ट करके बताती हूँ अपनी स्किन पे आपके सामने। सो गाइस, लेट्स ट्राई दिस। वैसे तो ये प्रोडक्ट आपको नहाने के बाद लगाना है फॉर द बेटर रिजल्ट्स, बट आपके साथ मैं अपनी स्किन पे इसको एक बार ट्राई करके बताती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया। और ये देखिए, इसी कंसिस्टेंसी देखिए। जो फ्रेग्रेंस है गाइस, इस प्रोडक्ट की जो फ्रेग्रेंस है, मतलब इतनी अच्छी है जैसे कि यू कैन से लाइक सेंटेड कैंडल्स। किसी भी खुशबू कितनी अच्छी आती है, दूर से पता चल जाता है कि कोई तो भी मतलब एक अच्छी सी कैंडल वहाँ पे है, जल रही है। और ऐसे ही इसकी स्मेल, इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत अच्छी है, बहुत ही नेचुरल सी खुशबू आती है कैंडल्स की जैसे। गाइस, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बॉडी बटर इज दैट यू कैन यूज ऑन ड्राई फ्लेकी स्किन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारी स्किन बहुत, देखिए मेरी स्किन, देखिए अभी भी देखिए आपको कितनी ड्राइनेस दिख रही होगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होती है। तो चलिए इसको यूज करते हैं प्रोडक्ट को। यू कैन सी द स्किन नाउ, अप्लाई द प्रोडक्ट। सो कैन यू मेक आउट द डिफरेंस? ये मैंने इस पे बॉडी बटर नहीं लगाया है और इस पे लगाया है। सो देयर इज एन एक्स्ट्रा ग्लो इन दिस, इफ यू नोटिस दिस, देयर इज एन एक्स्ट्रा ग्लो इन दिस। सो गाइस, आपने अभी देखा कि मैंने इस हाथ में लगाया और इसमें नहीं लगाया। तो डू यू नो व्हाट पर्सनली आई एम फीलिंग? एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे या यूज करेंगे, आप भी देखेंगे कि आपको भी यही फील होगा कि ये वाला जो मेरा हाथ है जहाँ पे मैंने ये बॉडी बटर लगाया है, इधर मुझे बहुत ही हाइड्रेटेड फील हो रहा है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, रादर ये बहुत ड्राई फील हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको भी यहाँ पे लगा लूँ, सो दैट आई फील इक्वली गुड। और अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई है, ड्राई स्किन है, फ्लेकी स्किन है, और स्किन को नरिशमेंट की ज़रूरत है, और मतलब इट इज़ सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ स्किन, अगर आप बॉडी बटर भी लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट होती है ये हमें वो देता है। ये 24 आवर्स स्टे करता है, विच इज़ रियली गुड। और फ्रेग्रेंस तो मैंने आपको बता ही दी, इट इज़ माइंड ब्लोइंग सेंटेड कैंडल्स। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। सो गाइस, दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे पास कपिवा से है वो है कुमकुम आदि ग्लो फेस ऑयल। सो
प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो ऑयल है उसको 48 आवर्स तक के लिए गर्म किया जाता है। तो गाइस जब वो 48 आवर्स तक ऑयल गर्म हो जाता है उसके बाद 25 से भी ज़्यादा हर्ब्स उसके अंदर डाली जाती हैं और उसके बाद उस मिक्सचर को छोड़ दिया जाता है ताकि जो भी हर्ब्स हैं वो सारी आपस में ऑयल में मिक्स हो जाए और फाइनल रिजल्ट ऐसा हो। गाइस इसके अंदर जो केसर डाला जाता है, व्हाट इज कुमकुम आदि, कुमकुम आदि इज केसर, और जो केसर डाला जाता है वो केसर स्पेशली कश्मीर से बेस्ट केसर सोर्स किया जाता है। आप इसके अंदर देख भी सकते हैं केसर स्ट्रैंड्स, देखिए। और बेस्ट पार्ट ये है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का कि ये आयुर्वेदिक है, इससे आपकी स्किन में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे ड्राई स्किन है चाहे नेचुरल स्किन है, आप सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, हम ये बॉटल लेंगे, दिस कम्स विद अ ड्रॉपर लाइक दिस, वेरी गुड फॉर योर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, एक्ने, सो ऐसे अपर डायरेक्शन। कैन यू सी द ग्लो? तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट्स है कपीवा से, और कपीवा अपने कस्टमर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता है अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड और इवन योर डेली वेलनेस, यू कैन टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम देम, और उनकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स चलते ही रहते हैं। सो आई वुड अप्रिशिएट कि एक बार आप टाइम निकाल के ज़रूर चेकआउट कीजिए कपीवा की वेबसाइट और उनके प्रोडक्ट्स भी। विद दिस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द अगले ब्लॉग में आपसे।